नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से एक बैकग्राउंड ब्लर की हुई वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको ना ही कोई DSLR की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करनी है, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है DU रिकॉर्डर। देखिए दोस्तों, आ चुका है यहाँ पे फर्स्ट वाले ये लिंक है, इस पर क्लिक करना है आपको। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे फ़ोन में ही स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है। अगर आप में नहीं हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अपनी कैमरा एप्लीकेशन, आपको दोस्तों जो सिस्टम में स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन रहता है, आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। उस पर दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, वीडियो, फ़ोटो या फिर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप बैक से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको बैक पे रहने देना है, या फिर आपको फ्रंट से करना चाहते हैं तो फ्रंट पे कर देना है। तो मैं यहाँ से फ्रंट पे कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ से इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से रेशियो करता हूँ 3:4। उसके बाद आपको यहाँ से आप फोकस मोड भी घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आ चुका है। उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली एप्लीकेशन आपको चालू कर देनी है। देखिए दोस्तों, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। दोस्तों, इतना हो जाने के बाद आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देना है। उसके बाद आपको उस रिकॉर्डिंग को आपको काइन मास्टर में ओपन करना है। मैं इसको ओपन करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसको अपनी काइन मास्टर ऐप में ओपन करता हूँ। इसके बदले में दोस्तों, आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ से कोई भी आप रेशियो में चूज कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 16:9। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड चूज करना है कोई भी, आप अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। बता दो दोस्तों, आपको लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना है। और दोस्तों, आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, आपको उसको ओपन करना है यहाँ से। उसको दोस्तों, आपको वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दोस्तों, आपको यहां से इसको क्रॉप कर देना है। दोस्तों, अब आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं यहां से। जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे, देखिए दोस्तों, आपके वीडियो की बैकग्राउंड ब्लर ब्लर आ रही है। फोकस मोड भी खराब बढ़ा सकते हैं, यहां से मैं इसको कम कर देता हूं। ये दोस्तों, आ चुका है। दोस्तों, आप स्ट्री का प्रयोग आपको आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी रियर या फिर फ्रंट कैमरा के रिकॉर्डिंग करते समय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।